3. किसी भी दुश्मन की ताकत पता करनी हो या सेना को हमला करना हो, जमीनी हमला हो या समुद्र में दुश्मन के जहाज को नष्ट करना हो, सैनिकों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना हो या थल सेना की मदद के लिए जमीनी युद्ध के दौरान हवाई हमला करना हो, इन सभी कामों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की होती है वो है लड़ाकू विमान। ये फाइटर प्लेन पलक झपकते ही दुश्मनों को नस्तनाबूद कर सकते हैं। इसलिए आज दुनिया में जिस किसी देश के पास ताकतवर वायुसेना है वो सबसे शक्तिशाली है। तो आइए जानते हैं दुनिया के वो टॉप 10 फाइटर प्लेन जिनके नाम से दुश्मन कांप जाते हैं। F-35 लाइटनिंग लॉकहीड मार्टिन। US मरीन कॉर्प्स का लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 5th जनरेशन मल्टीरोल फाइटर प्लेन है। टारगेटेड सेंसर और अत्याधुनिक हथियारों से लैस यह लड़ाकू विमान अपने टारगेट पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है, जो इसे अन्य फाइटर प्लेन से बेहतर बनाता है। यह साइड विंडर और स्टॉर्म शेडो के साथ साथ जॉइंट डायरेक्ट अटैक एम्यूनेशन जैसे हथियारों के सिस्टम से लैस है। F-22 रेप्टर हॉकहीड मार्टिन बोइंग। हॉकहीड मार्टिन और बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित F-22 रेप्टर एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन 5th जनरेशन का बेहद उन्नत लड़ाकू विमान है। वहीं इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम F-22 को एक सुपर फाइटर जहाज बनाता है। अमेरिकी वायुसेना में शामिल F-22 एक विशेष जंगी विमान है जिसका उपयोग कई तरह के विशेष मिशन को अंजाम देने में किया जाता है। यह लड़ाकू विमान आकाश और धरती दोनों जगह वार करने में सक्षम है। इसका प्रयोग पेट्रोलिंग, अटैक, सिग्नल इंटेलिजेंस आदि के लिए किया जाता है। चेंगडू J-20 5th जनरेशन का सिंगल सीटर ट्विन इंजन स्थिल फाइटर जेट है, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। इसका निर्माण चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने किया है। विमान में 8 हाई पॉइंट और एक इंटरनल वेपन लॉबी है। इस एयरक्राफ्ट से हवा और सतह दोनों जगह हमला किया जा सकता है। यह मिसाइलों, लेजर निर्देशित बमों और रेडिएशन रोधी मिसाइलों से भी लैस है। सुखोई SU-57। SU-57 5th जनरेशन का सिंगल सीट ट्विन इंजन मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट की सहायक कंपनी सुखोई द्वारा बनाया गया है। इस विमान को रूसी वायुसेना और नौसेना के खास मिशन को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह विमान दुश्मन से जमीन, हवा और पानी सभी जगह बचाव करने में सक्षम है। इस विमान का इस्तेमाल हवाई क्षेत्र में निगरानी करने के लिए भी किया जाता है। 10 टन वजन के साथ यह विमान कम दूरी से हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। यूरोफाइटर टाइफून आधुनिक मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, जो वर्तमान में दुनिया के श्रेष्ठ विमानों में से एक माना जाता है। यह एक डेल्टा विंग विमान है, जो आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर से लैस है।
रक्षात्मक सहायक प्रणाली के साथ यह विमान की मोसर BK-27 27 mm कैनन, हवा से हवा और हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइलों से लैस है। SU-35 फाइटर का नया विकसित संस्करण है। SU-35 पांचवी पीढ़ी की तकनीकों के साथ 4++ जनरेशन का विमान है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस यह विमान अपनी कैटेगरी के किसी भी विमान से ज्यादा बेहतर है। SU-35 लंबी और छोटी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, बमों और रॉकेट से लैस है। विमान 14 हाई पॉइंट के साथ अधिकतम 8 टन हथियारों को कैरी कर सकता है। बोइंग FA-18EF सुपर हॉर्नेट एक विशेष स्ट्राइक फाइटर जेट है जो आधुनिक फाइटर क्षमताओं से लैस है। इस विमान को इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम से जमीन पर मौजूद सैनिकों से बेहतर संवाद स्थापित करने की क्षमता मिलती है। विमान पर 11 वेपन स्टेशनों पर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑर्डरनेस के साथ साथ लेजर निर्देशित बम सहित विभिन्न प्रकार के स्मार्ट हथियारों का मिश्रण रख सकता है। राफेल फाइटर प्लेन। राफेल विमान दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में शामिल है। अपने आधुनिक नेविगेशन सिस्टम के कारण यह विमान लंबी दूरी से भी तय लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। लक्ष्य की पहचान करने के लिए राफेल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। राफेल विमान हथियारों को ढोने के साथ सभी तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। राफेल 300 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर सटीक निशाना साध सकता है। वहीं राफेल 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भी भर सकता है। F-15E स्ट्राइक ईगल। F-15E स्ट्राइक ईगल एक आधुनिक मल्टीरोल स्ट्राइक फाइटर प्लेन है। F-15E विमान 23,000 IB तक का पेलोड ले जा सकता है, जिसमें जॉइंट डायरेक्ट अटैक एम्यूनेशन AGM-130 स्टैंड अप वेपन सिस्टम, AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, AIM-9X शामिल है। यह विमान ध्वनि की गति से दुगनी से अधिक गति से उड़ सकता है। आधुनिक एवियोनिक सिस्टम से लैस यह विमान दिन और रात दोनों ही समय में हमला कर सकता है। इसके साथ ही खराब मौसम में भी यह एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिशन का संचालन करने में भी सक्षम है। SU-30 MKI भारतीय वायुसेना के साथ सेवा में एक 2-सीटर लंबी दूरी का मल्टीरोल लड़ाकू विमान है।
इसे रूस की कंपनी सुखोई द्वारा डिजाइन किया गया है। Su-30 MKI ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की एक श्रृंखला को ले जा सकता है। इसमें 30 mm की GSH-31 बंदूक और विभिन्न प्रकार के बम शामिल हैं। Su-30 MKI में बहुराष्ट्रीय एवियोनिक्स और सबसिस्टम की सुविधा है।